देखिएगा, मैं डोरमेट सिखाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने 28 फिंदे डाले हैं और दो सलाई मैंने निकाल ली हैं सादा सादा। अब देखिए शुरुआत से ही बता रही हूँ इसी तरह से इसकी शुरुआत होती है। एक भी कलर, एक कलर से कोई भी कलर ले लीजिएगा, उससे आप फिंदे डाल के और शुरू कर दीजिएगा। ये बहुत सरल हो तरीके से बता रही हूँ, ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिएगा, अब मैं नीचे से चार फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ूंगी। ये देखिएगा, ये चार फिंदे मैंने बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं। इसी तरह से ये हम ऊपर की साइड पे आ रहे हैं, चार चार फिंदे हम बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ये देखिएगा, ये बिल्कुल सादा सादा है और इसमें कली कली पतली पतली कली बन जाती हैं। ये देखिए, चार फिंदे मैंने बगैर बुने हुए छोड़ दिए थे, अब ये उल्टी सिलाई में फिर चार फिंदे इस तरह से छोड़ते जाएंगे। ये उल्टी सिलाई में हम छोड़ते हैं चार बुने हुए फिंदे, चार नहीं बुनेंगे, बाकी हम बुनते जाएंगे। ये देखिएगा, अब मैं चौथी सिलाई में ये चार फिंदे इस तरह से छोड़ दूँगी। ये चच्चर का है, इस तरह से फिर ये कली बन जाएगी, ये बहुत जल्दी बनता है। ये देखिएगा, अब चार फिंदे मैं फिर छोड़ रही हूँ। इसी तरह से ये ऊपर तक जब आ जाऊँगी तब हम मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिएगा, मैंने चच्चर फिंदे करके सारे फिंदे इसी तरह से यहाँ तक उतार लिए हैं। ये चार बाकी हैं, इनको कुछ नहीं करना है ना उतारना है, बस बुन लेना है चार फिंदों को। अब मैं कलर दूसरा लगा लूँगी, यहाँ से कली अब दूसरी बनने लगेगी। इसी तरह से दो सिलाई निकालने के बाद ये इस तरह से हम कलर दूसरा लगा लेंगे। दो सिलाई बनाने के बाद, एक उल्टी एक सीधी सिलाई बनाने के बाद फिर हम चच्चर फिंदे छोड़ने लगेंगे, तो ये पतली पतली कलियाँ बन जाती हैं। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये हाफ बन के तैयार हो गया है और इसमें ये तीन कलर मैंने लगाए हैं। 9 नंबर की ये सिलाई लगाई है।